क्षेत्र के एक अंश के रूप में अभिनव मनुष्य आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानव के आवश्यकताओं और लालसाओं का वर्णन करते हुए उसकी प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति को दिखाते हुए यह दर्शाया है कि इतनी सब प्रगति प्राप्त करने के बाद भी आज भी उसकी सांस्कृतिक उन्नति नहीं हुई है। तो चलिए हम इस अभिनव मनुष्य के भाग के अंतर्गत इसके भाग एक को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या और अर्थ को समझते हैं। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्यम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसुमान। सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। शीश पर आदेश कर अवधार, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। प्रिय रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। इस पृथ्वी पर अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेश रूपी अमृत की वर्षा की है और अपने उपदेश रूपी अमृत से इस संसार में सुख, शांति और सांस्कृतिक संपन्नता लाने का प्रयास किया है। किंतु इतने बरस बीत जाने के बाद भी अब तक, आज तक इस संसार में शीतलता अर्थात शांति स्थापित नहीं हो पाई है। आज भी मनुष्य अपनी जिंदगी की दौड़ में इतना तेजी से आगे भागता हुआ चला जा रहा है कि उसे किसी दूसरे मनुष्य की भावनाओं से कोई मतलब नहीं रह गया है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्यम, आज भी मनुष्य के हृदय में भोग, ऐश्वर्य भोग की लिप्सा, लालसा लहरा रही उद्यम। उद्यम का अर्थ है प्रचंड शक्ति से लहरा रही है। आज भी मनुष्य अपने लिए इस संसार के समस्त सुख साधनों को एकत्रित कर लेना चाहता है। आज भी मनुष्य धनी मानी संपन्न होकर भोग विलास में इतना डूबा हुआ है कि नए नए भोगों के भोगने की लिप्सा निरंतर उसके अंतर बलवती होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, निष्काम अर्थात निष्फल होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर ऐसे असहाय, साधनहीन, विवश मनुष्य भी मिलते हैं जिनकी कोई भी कामना फलीभूत नहीं होती, जो भोग विलास से तो दूर हैं, उन्हें दो जून की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। दिन रात जीतोड़ परिश्रम करने पर भी उनके मनोरथ निष्फल ही रहते हैं। तो है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेश रूपी अमृत की वर्षा की है। मनुष्य को हृदय से संपन्न बनाने के लिए, संस्कृत से संपन्न बनाने के लिए, भावना युक्त बनाने के लिए प्रयास किया है, किंतु अब तक इस संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। यह संसार अभी तक उसी भोग लिप्सा में
उसी भोग लिप्सा को प्राप्त करने के लिए प्रचंड शक्ति से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और अपने लिए इस संसार के समस्त सुख वैभव साधनों को एकत्रित कर लेने के लिए आतुर है। वहीं दूसरी ओर असहाय मनुष्य भी हैं जो साधनहीन है, विवश हैं, जिनको दो जून की रोटी भी नहीं प्राप्त होती, उनकी समस्त भावनाएं निष्काम अर्थात निष्फल होती चली जा रही। दिनकर जी आगे लिखते हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसु महान, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले दृढ़ निश्चयी भीष्म हो या सत्य का पालन करने वाले सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हो या कि स्वयं राम और कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले स्वयं भगवान हो, इस पृथ्वी पर शांति की स्थापना करने वाले, दुखों को दूर करने वाले स्वयं महात्मा बुद्ध हो, सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश देने वाले स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध हो या कि सम्राट अशोक हो, गांधी हो या कि प्रभु यीशु हो, इन सभी महापुरुषों ने समय समय पर जन्म से इस धरा को पूर्ण बनाकर संसार का पथ प्रदर्शन किया है। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। किंतु मनुष्य ने सिर झुकाकर इन महापुरुषों को अत्यधिक सम्मान तो दिया और श्रद्धा के साथ इन सभी महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार भी किया, किंतु विडंबना यह है कि इन्होंने इनकी श्रेष्ठता को केवल मात्र वाचिक ही अर्थात केवल मौखिक रूप से ही स्वीकार किया, उसका लेस मात्र भी अपने आचरण में नहीं उतारा। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। अपनी कथनी और करनी के इसी अंतर के कारण यह मनुष्य दूसरे लोगों को शोषण करके, उन्हें दग्ध कर उनका शोषण करके उन्हें पीड़ा पहुंचाकर स्वयं प्रसन्न होता है। पर को अर्थात दूसरे को दग्ध कर पर को यह मनुष्य दूसरे लोगों को शोषण करके उन्हें पीड़ा पहुंचाता है और दूसरों को दुखों की आग में झोंक कर स्वयं भी उसी आग में जलता है, स्वयं भी भोगता दुखदाह, दूसरों को दुख के अग्नि में झोंक कर स्वयं भी उसे दुख की आग में जलता रहता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, इस प्रकार से आज भी मानव आदिम युग, पुरानी युग अर्थात आदिम युग के मनुष्यों की तरह क्रूर, निर्मम और पशुत्व के मार्ग पर चला जा रहा है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर हो या कि स्वयं भगवान हो, स्वयं सत्य का मार्ग दिखलाने वाले, परोपकार का मार्ग दिखलाने वाले बुद्ध हो, अशोक हो, गांधी हो या प्रभु ईसा हो, सबने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और सबने यहाँ के मनुष्यों को सत्य और प्रेम के पथ पर चलने का मार्ग दिखलाया। मनुष्य ने सबको सिर झुकाकर अत्यधिक सम्मान दिया, श्रद्धा के साथ इन सभी महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, किंतु यह सम्मान, यह श्रेष्ठता उसने मात्र वाचिक ही दिया अर्थात केवल मौखिक रूप से ही दिया, उसने अपनी आत्मा से इनके आचरण को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से मनुष्य दग्ध कर पर को दूसरों को दुख की आग में झोंक कर स्वयं भी भोगता दुखदाह, स्वयं भी उसी आग में जलता जा रहा है और आज का यह मानव आदिम युग के क्रूर मानव की तरह निर्मम और पशुत्व के मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। आगे कहते हैं दिनकर जी, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया
विचित्र नवीन। आज जो समाज है, आज का जो ये संसार है, आज की जो ये दुनिया है, ये विचित्र है और नवीन भी है। अर्थात इसने अपने लिए बहुत सारी वैज्ञानिक प्रगति भी हासिल कर ली है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति पर सर्वत्र उसने विजय प्राप्त कर ली है। कोई भी प्रकृति का ऐसा अंग नहीं है जहां पर इस मनुष्य की ना चलती हो। हैं बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। मनुष्य के हाथों में आज भी वारी अर्थात जल, विद्युत अर्थात बिजली और वाष्प, ये सब बधे हुए हैं। अर्थात इनका जैसा चाहे मनुष्य वैसा ही उपयोग कर सकता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। इतना ही नहीं, आज मनुष्य इतना साधन संपन्न हो गया है कि पवन का ताप, वायु की गर्मी भी वो जिस तरह से चाहे उस तरह से वायु की गर्मी को भी नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना सकता है। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं पर भी मनुष्य के लिए कोई भी अब व्यवधान नहीं रह गया है। संपूर्ण प्रकृति पर इस मनुष्य ने अपना नियंत्रण कर लिया है। लांघ सकता है नर, मनुष्य लांघ सकता है कौन, सरित गिर सिंधु एक समान। नदी को, पर्वत को और समुद्र को एक समान भाव से बिना किसी व्यवधान के लांघ सकता है। कवि का आशय यह है कि संसार में मनुष्य आज पूर्णतया शक्तिशाली हो गया है, फिर भी उसमें मानवोचित गुणों का विकास नहीं हो सका है। उसमें अभी भी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। विवेक की दृष्टि से वह आज भी आदिम युग के मनुष्यों के जैसा असभ्य दिखाई दे रहा है। शीस पर आदेश कर औदार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उससे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं। शीश पर आदेश कर औदार्य, उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसके आदेश को मानते हैं और उसके इच्छा के अनुसार मनुष्य के संपूर्ण कार्य करते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन। है बधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज की दुनिया कितनी नवीन और विचित्र है कि वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य के हाथों में आज जल, बिजली, वातावरण का ताप, आज सभी कुछ बधे हुए हैं। आज मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना सकता है। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। अब मनुष्य के लिए कोई भी व्यवधान शेष नहीं रह गया है। वह नदी, पर्वत और समुद्र को समान भाव से किसी व्यवधान के बिना भी लांग सकता है। और आज शीश पर आदेश कर औदार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। आज अपने सिर पर मनुष्य के सभी आदेश को धारण करके प्रकृति के सारे तत्व मनुष्य के द्वारा निर्धारित कार्य स्वयं करते हैं। इस प्रकार से आज मनुष्य के बस में पूरी प्रकृति हो गई है, फिर भी आज का मनुष्य इतना शक्तिशाली होते हुए भी अपने मानवोचित गुणों का विकास नहीं कर सका है। उसकी बुद्धि आज भी विकसित नहीं हुई है। विवेक की दृष्टि से वह आज भी आदिम युग के मनुष्यों की तरह असभ्य मानव जैसा व्यवहार कर रहा है। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता के प्रथम भाग के संक्षिप्त अर्थ और व्याख्या हुई। इसे आप लोग पढ़िएगा। समतिशालिनी उद्याम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परिचित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन सोचने को दे उसे अब बात
कौन नवीन, यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। प्रिय छात्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी मानव की वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज का मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि वह प्रकृति के सभी तत्वों से जो चाहे अपने मनवांछित कार्य करवा सकता है। यहाँ तक कि मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, महावरुणेश वरुण जल देवता हैं, महान जल देवता भी आज मानव का हुक्म मानने के लिए बाध्य हैं। मनुष्य जहाँ भी चाहता है वहाँ जल उपस्थित कर देता है और जहाँ जल का अथाह समुद्र है वहाँ बांध आदि बनाकर विस्तृत सूखे मैदान में परिवर्तित कर देता है। और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और शब्द के गुणों को ग्रहण करने वाला अंबर आकाश भी मनुष्य द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों के माध्यम से मानव के संदेश को वहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। नव्य नर का अर्थ आधुनिक मानव, आधुनिक मानव की इस विकराल मुट्ठी में सभी दिक्काल, सभी दिशाएं और समय प्रत्येक क्षण सिमटते जा रहे हैं। अर्थात मानव कुछ पल में अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पहुंचा सकता है, वहां वायुयान इत्यादि के माध्यम से जहां चाहे एक पल में पहुंच भी सकता है। तो आज आधुनिक मानव की इस विकराल मुट्ठी में दिशाएं और समय सिमट कर रह गए हैं। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यह वही मनुष्य है जिसके वायुयान भी आकाश में विचरण कर रहे हैं। अर्थात मनुष्य ने ऐसी शक्ति अर्जित कर ली है कि वह पक्षियों की तरह स्वतंत्र रूप से आकाश में भी विचरण कर सकता है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, जिसके करों को, जिसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भय से थर थर कांपते रहते हैं, यह वही मनुष्य है जिसने परमाणु, परम शक्तिशाली परमाणु को भी अपने अधीन बना लिया है। खोलकर अपना हृदयगिरि सिंधु भू आकाश है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम आकाश। आज मनुष्य की बुद्धि इतनी शोध परक हो चुकी है, इतनी वैज्ञानिक प्रगति मानव ने कर ली है, अपने साहसपूर्ण कार्यों से इतना कुछ अर्जित कर लिया है कि सिंधु भू आकाश, सागर पृथ्वी और आकाश सब कुछ अपने हृदय को खोलकर अपने गुह्यतम इतिहास को, अपने गुप्त इतिहास को मनुष्य को सुना चुके हैं। अर्थात इन सब चीजों में पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, आकाश इत्यादि प्रकृति के तत्वों के बारे में मनुष्य के लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया है। इनके एक एक कण के बारे में, एक एक गुण के बारे में मनुष्य भली भांति जान चुका है। इसलिए खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, अब तो प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दे उठ चुके हैं। अब प्रकृति का कोई भी रहस्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य ना जान गया हो। रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, अब मनुष्य के लिए इस प्रकृति के बारे में कुछ भी अज्ञेय नहीं रह गया है। अर्थात प्रकृति के बारे में
मनुष्य ने सब कुछ जान समझ लिया है। दिनकर जी मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि किंतु नर को चाहिए निज विघ्न कुछ दुर्जे। यद्यपि मनुष्य ने इस प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हटा दिया है, अब उसके लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं रह गया है, कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया, उसने सब कुछ जान लिया है, किंतु यह नव्य नर है, यह आधुनिक मनुष्य है, यह शांत चित्त बैठने वाला नहीं है। सब कुछ जान लेने के बाद भी वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से हमेशा कुछ नए विघ्न की कामना करता रहता है, जिसको दुर्जेय, जिसको जीतना कठिन हो, जिस पर वह विजय प्राप्त करना कठिन हो, ऐसी चीजों की कामना करता है कि उन पर वह विजय प्राप्त कर सके और अपने को साबित कर सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। सोचने को और करने को नया संघर्ष, सोचने को अर्थात मनुष्य हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है कि उसे चिंतन करने के लिए, अपनी बुद्धि लगाने के लिए, विचार करने के लिए और अपने कर्म करने को नया संघर्ष, इस प्रकृति से नया संघर्ष करने के लिए हमेशा अपने रहता है, जिससे वो अपनी नई नई उत्कर्ष को, ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार नए ढंग से संघर्ष करने को लालायित रहता है तथा नवीन क्षेत्र में नई विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता है। किंतु परधरा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। किंतु यह धरा, यह पृथ्वी सुपरिचिता है, भली भांत इसकी परीक्षा कर ली गई है, इस पृथ्वी के बारे में सारे गुह्यतम चीजों को जान लिया गया है, सबका विश्लिष्ट, सबका विश्लेषण कर लिया गया है, इसलिए अब यह स्वाद विहीन हो गई है, अर्थात अब इसके बारे में कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया है, इसलिए अब पृथ्वी उसे स्वादहीन खाद्य वस्तु जैसी प्रतीत होती है। यह पढ़ी पोथी, जिस तरह से किसी पोथी अर्थात पुस्तक को पढ़ लिया जाए और उसके बारे में पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया जाए, फिर उसके बारे में कुछ पढ़ना शेष नहीं रहता, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी पढ़ी हुई पुस्तक के समान हो गई है, जिसके समस्त ज्ञान को निचोड़ कर ग्रहण कर लिया गया हो, इसलिए न दे सकती प्रवेग प्रवीण। इसलिए अब यह मनुष्य को कुछ नवीन जानकारी नहीं दे सकती। यह पृथ्वी तो मनुष्य के लिए ऐसी हो गई है कि जैसे हस्तामलक अर्थात हाथ में रखा हुआ आंवला, एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, इतनी विशाल गोल धरा यह भूमि मंडल मनुष्य के लिए ऐसी हो गई है जैसे मनुष्य की हथेली पे रखा हुआ कोई आंवले का टुकड़ा हो या कोई आंवला हो, जिसके बारे में मनुष्य सब कुछ जान गया है, उसके बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि अब कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया है। मानवों ने पढ़ लिए हैं सब पृष्ठ जिसके खोल, यह पृथ्वी ऐसी हो गई है कि जैसे उसकी हथेली पर रखा हुआ कोई आंवला, जिसके सब पृष्ठ खोलकर मानव ने पढ़ लिए हैं, सबके बारे में ज्ञान अर्जित कर लिया है, सभी गोपनीय रहस्यों के बारे में जान गया है, अब मानव को जानने के लिए इस पृथ्वी के बारे में कुछ भी शेष नहीं रह गया है। किंतु फिर भी मनुष्य हार मानकर पीछे लौटने वाला नहीं है, इसलिए दिनकर जी कहते हैं किंतु नर पज्ञा सदा गतिशालिनी उद्याम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। नर प्रज्ञा मनुष्य की बुद्धि हमेशा गतिशील रहने वाली है,
उद्याम अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ते रहने वाली है, इसलिए ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। वो कहीं भी एक पल के लिए रुककर विश्राम नहीं लेना चाहती। वह अपने लिए कुछ न कुछ संघर्ष के वस्तु खोजती रहती है कि जिससे उसे संघर्ष करने का अवसर प्राप्त हो सके, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्याम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। किंतु मानव की बुद्धि सदैव तीव्र गति से चलती रहने वाली है, वह एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुक सकती और एक पल के लिए भी कहीं पर विश्राम नहीं ले सकती। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। लेकिन समस्या ये है कि यह परीक्षित भूमि है, मानव ने इस भूमि के बारे में सब कुछ परीक्षण कर लिया है, सारे रहस्यों को जान लिया है। यह पोथी पठित, जिस तरह से किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ के ज्ञान अर्जित कर लिया जाए और फिर उसमें पढ़ने को कुछ शेष ना बचे, उसी प्रकार से पृथ्वी भी हो गई है और प्राचीन हो गई है। ये अब पुरानी, मनुष्य के लिए यह पुरानी पड़ चुकी है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। अब इस पृथ्वी के अलावा कौन ऐसा शेष बचा हुआ है जो मनुष्य को नई बात सोचने के लिए, नए संघर्षों को करने के लिए प्रेरित करे, जहाँ पर मनुष्य अपनी बुद्धि को नए सिरे से प्रयोग करे। अब मनुष्य के लिए शेष क्या बचा हुआ है? यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, यह संपूर्ण भूमि मंडल उसके लिए एक छोटा सा ग्रह बन गया है। व्योम यह संकीर्ण, यह विस्तृत आकाश या अनंत आकाश उसके लिए तो जैसे सिकुड़ सा गया हो। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, अब तो मानव के लिए कोई नया क्षेत्र चाहिए। चाहिए नर को नया कुछ, अब तो मानव को करने के लिए अपने लिए कोई नया क्षेत्र चाहिए और जग विस्तीर्ण, उसे कोई और नया व्यापक संसार चाहिए जिसमें मानव नए और विस्तृत तरीके से पुनः खोजने के लिए प्रयत्नशील रहे।